Hi friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Today I want to share with you instant brightening cubes, how to make at home very easily for special occasions like weddings, parties and any sort of occasion. You can definitely use one or two cubes on your face to get an instant facial like glow. So yeah, let's get started. So to make instant brightening cubes, what you will need is, first of all, this is Multani mitti powder or Fuller's earth powder. So this is easily available at, these products are available at amazon.com. And we will need is rose petal powder. In that case, you don't have rose petal powder, you can use dry rose petals. And if you don't have that also, agar aapke paas wo bhi nahi hai, to aap skip kar sakte ho. Not a big deal, okay. And we will use aloe vera gel. You can use any aloe vera gel. You can also use freshly squeezed aloe vera gel from aloe vera plant. And rose water. You can also use homemade rose water. So yeah, and one more thing that I have kept in fridge, that is dahi, yogurt, okay. Dahi hum baad mein dalenge, theek hai. क्योंकि वो ठंडा ही मैंने फ्रिज में रखा है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हियर मुल्तानी मिट्टी पाउडर, 1 teaspoon, रोज पेटल पाउडर, वन टीस्पून, एलोवेरा जेल, 1 teaspoon. ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है. बहुत अच्छा एलोवेरा जेल था ये, गुड वाइब्स के एलोवेरा जेल. ये purple.com पे अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली, और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखा है रिव्यू, आप चाहो तो देख सकते हो. ओके, और अब हम इसमें डालेंगे दही. So guys, I have added dahi or yogurt or curd. आप लोग देख सकते हो, और इसको हम mix करेंगे. And we will add rose water. गुलाब जल हम मिलाएंगे. आप कोई भी गुलाब जल use कर सकते हो. One tablespoon rose water, okay? बहुत पतला टाइप का कंसिस्टेंसी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे. ओके, सो गाइज यू कैन सी दैट आई हैव मिक्स दिस प्रोडक्ट वेरी नाइसली. आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसका बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है, और अब हम इसको जमाएंगे. वी विल जस्ट स्टोर इट इन दिस आइस क्यूब बॉक्स, ट्रे में हम इसको डालेंगे. ऐसे आप डाल दे, और इसे हमें जमाना है फ्रिज में. ये आइस क्यूब बन जाएंगी हमारी इंस्टेंट ब्राइटनिंग. तो आपको यूज करना है इसको जब ये एकदम सॉलिडिफाई हो जाएंगी, तब आप इसको एकदम क्लीन फेस में, आप फेस वॉश कर ले पहले, फिर आप एकदम क्लीन फेस में इसको अप्लाई करें. अच्छे से एक दो आइस क्यूब्स आप रगड़ ले फेस पर, और फिर आप थोड़ा सा हैंड से मसाज कर लीजिए. देन यू कैन वॉश ऑफ इट नॉर्मल वाटर. तो आप देख सकोगे और अच्छा सा इंस्टेंट जो ग्लो है वो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी डाला है, रोज पेटल पाउडर डाला है, रोज वाटर, एलोवेरा जेल, सब कुछ. आपके स्किन को कुछ भी यहाँ पर हार्मनेस नहीं पहुँचाएगी, हार्म नहीं करेगी आपकी स्किन को, और बहुत अच्छे से क्लीन भी करेगी. और ना कि ये सिर्फ इंस्टेंट ब्राइटनिंग करेगी, ये वाला आइस क्यूब आपका जो ओपन पोर्स का अगर किसी को भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल आइस क्यूब से
यू नो कोल्ड कॉम्प्रेसिंग टाइप का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो या एंड में मैं दिखा दूंगी आपको ये जमने के बाद कैसा होता है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि मैं हमारा जो ये फेस पैक है, इंस्टेंट क्यूब पैक, वो एकदम रेडी है। सो यू कैन सी दैट टोटली आइस क्यूब्स बनकर रेडी है। अब इसको आप कैसे यूज करोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको फेस वॉश करना है अपने फेवरेट फेस वॉश के साथ, एंड यू हैव टू फेस वॉश योर फेस विथ योर फेवरेट फेस वॉश, एंड देन यू हैव टू टेक वन आइस क्यूब एंड जस्ट मसाज ऑन योर फेस लाइक दिस। नीचे आप थोड़ा सा कोई प्लेट लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप एक क्यूब को टोटली खत्म कर सकते हो, अपने फेस के ऊपर मसाज करते जाए करते जाए। एंड आप देख सकोगे कि ये जो आइस है एकदम मेल्ट होकर एक पैक की तरह बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। सो या आप लोग इसको और थोड़ा सा मसाज कर लेंगे हाथ से, ओके। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वॉश योर फेस विथ नॉर्मल वाटर, एंड उसके बाद आप टोनर लगाइए, फेस मिस्ट लगाइए, या फिर आप एलोवेरा जेल लगाइए, ठीक है। आप मॉइस्चराइजर लगाइए, आप पार्टी में जा रहे हैं तो मेकअप भी कर सकते हैं उसके बाद। सो या दैट वॉज फॉर टूडे फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ठंडक देगी आपकी स्किन के ऊपर और बहुत जल्दी भी हो जाएगी। आप ऐसे जमा के रख सकते हो, 10 डेज तक आप इसको बना के ऐसे रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जब भी आपका मन चाहे तो आप इसको निकाल के लगा सकते हो, रेगुलर बेसिस में भी कर सकते हो, यू कैन यूज इट एज अ रेगुलर रूटीन। सो आपका ओपन पोर्स का जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। सो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर, शेयर कर दो दोस्तों हर जगह, ताकि मेरा ये जो वीडियो है हर जगह फैल जाए। सी यू सून गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे नाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।